गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लगभग 20 से 25 घंटे की हसल के बाद मैं फाइनली मोइनाक में पहुंच गया हूं। मोइनाक वही सिटी है जहां से आप अरालसी को विजिट कर सकते हो। नाहुंकर भाई से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूं, लेकिन उस टाइम पर मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था। आज हम चार बंदे अरालसी को विजिट करने वाले हैं। बहुत से लोग अरालसी के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं आपको एक या दो मिनट में उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी जिस एरिया में मैं हूँ ना, मोइनाक वाला एरिया, नूकुश वाला एरिया, ये एरिया आप ये मान लीजिए एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन, इसके नॉर्थ में पड़ता है कजाकिस्तान, वेस्ट में पड़ता है कजाकिस्तान, और साउथ में है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान का एकदम एक्सट्रीम वेस्ट वाला पार्ट। इस एरिया को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान, कराकल पाकिस्तान। और जैसे पाकिस्तान की स्पेलिंग में आई आ जाता है, तो उस आई को हटाने के बाद पाकिस्तान बनता है, और यही इस एरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान। ऑटोनोमस रीजन है यहाँ पे। इस एरिया का खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस एरिया की जो एथनिसिटी है, स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं उनको कराकल पाक बोला जाता है। जो मेन उज़्बेकिस्तान के लोग हैं उन्हें उज़्बेक बोला जाता है। समरकांद बुखारा में जो मेन एथनिसिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी ताजिक। और मैं आयदरकुल लेक में गया था, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उस एरिया में ज़्यादातर जो लोग थे वो कराकल पाक भी थे और कजाक भी थे। और जो आज का हमारा प्लान है वो है अरालसी। लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर हम एक 4x4 गाड़ी रेंट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और अरालसी का सीन क्या है कि आज से 1960s के टाइम पर भाई उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, और यहाँ पे एक लेक पड़ता है, बहुत बड़ा लेक था, तो यहाँ के लोग उसे समुद्र बोलते थे अरालसी के नाम से। और उस अरालसी को दो नदियाँ पानी देती हैं, एक है अमुदरिया और दूसरी रिवर का मुझे नाम याद नहीं है। वो अरालसी में आके ख़त्म होती थी, अरालसी का मेन सोर्स ऑफ वाटर उन्हीं से था। लेकिन 1960s के दौरान क्या होता है, जो सोवियत यूनियन थी उन्होंने सोचा कि भाई इस एरिया के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाए, फार्मिंग स्टार्ट कर दी चावल की और गेहूँ की। तो उन्होंने जो मेन दो रिवर थी उनके रास्ते बदल दिए, उनके ऊपर कैनाल बना दी। स्टार्टिंग के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे भाई लेक है, अगर उसका जो मेन सोर्स है पानी का वही नहीं रहेगा तो लेक ड्राई होना स्टार्ट हो गया। पहले मोइनाक तक लेक था, आज से 60 साल पहले तक, लेकिन 60 साल में लेक यहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर चला गया है। ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण एनवायरनमेंट के ऊपर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ। और लेक ड्राई होने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लेक के अंदर नमक था, इस एरिया में आंधियाँ बहुत चलती हैं। जब मैं आज रास्ते में आ रहा था ना, तब भी बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, और अभी भी बहुत तेज़ हवा चल ही रही है। और इस कारण से जो लेक का नमक है और जो बाकी सॉल्ट्स हैं वो यहाँ की हवा में मिल जाते हैं, और इस एरिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उनसे सफ़र कर रहे हैं। दादा तैयार हो लो? अरे हो रहे हैं, बस टूर के लिए पैसे गिन रहे हैं भाई, कितने के किसको किसको देने हैं। कितने के लग जाएंगे? अभी हमारे $170 मांगे उसने। नाहुंकर भाई, नवदीप भाई और पराग भाई, आज हम टोटल चार बंदे जाने वाले हैं अरालसी पे। अरे की थी लेनी है भाई आपको? कफीर हाँ। फिर ले लो, फिर दो बोतल ले ले। और आज की हमारी जर्नी होगी इस गाड़ी के अंदर। अरे उड़ती रहती है मिट्टी यहाँ पे पूरे, वैसे भी यहाँ मिट्टी है। अराल सिर से उठ के आ, मैं देखो आ जा रही है तेरे, मेरे को भी लग रहा है कि नमक है इसमें, तो बाहर जीभ निकाल के देख तेरे को नमक। हाँ, अराल सी से आ रही है सारी, सारा अराल सी। तो अराल सी के उधर खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने सारी चीज़ें यहीं से खरीद ली हैं। काकते हो जाबू तैमूर? यस तैमूर। इट्स ऑलवेज लाइक दिस, द वेदर एंड द विंड। विंड? नो नो नो, ओनली इन समर्स, लास्ट टू डेज। How far is the Aralsi from here? The kilometer you mean? Yeah, the kilometer. Distance? Yeah. 150. 3.5 hours lag jayenge hame 150 kilometer ko cover karne mein. ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये नीचे जमीन में से गैस निकाल रहे हैं। अभी जिस पार्ट में हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे दबा के नीचे गैस भरी पड़ी है। तैमूर भाई साहब बता रहे हैं कि आज से 1960 के टाइम पर, जब सोवियत यूनियन की गलतियों के कारण ये अरालसी सूखा था, उससे पहले अरालसी यहीं पे स्टार्ट हो जाता था।
और अब यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, एकदम बंजर। Do you like this kind of car? This one, yeah. यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो आपको स्पेशली कोई ना कोई गाड़ी करके आना पड़ेगा। आप एक्सट्रीम ट्रैवलर हो तो ही चेकिंग कर सकते हो। मैं ही चेकिंग करेगा, उसके लिए भी तो गाड़ी चाहिए। हाँ, कोई नवंकुर भाई जैसे टूरिस्ट जा रहे हैं और वो इतने भले इंसान निकल जाएंगे किसी दूसरे टूरिस्ट को फ्री में बिठाने। जैसे आज नवंकुर भाई ने मेरे साथ किया, मेरा जो खर्चा है नवंकुर भाई देगा आज। इतना प्यारा दोस्त मिलेगा क्या यार आपको किसी इंसान को भी? प्यार और दोस्ती का दूसरा नाम नवंकुर है। थोड़ी थोड़ी जो फीलिंग है ना, वो अपने रन ऑफ का जैसी आ रही है। अमू दरिया, सर दरिया, अमू दरिया, सर दरिया, ये दो रिवर थी जो अरालसी को पानी देती थी। खस्ता हालत है बेचारे समुद्र की, है ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं है बेचारे। लेकिन इसके नीचे ना गैस दबा के भरी पड़ी है। पूरे उज़्बेकिस्तान में गैस का रेट क्या है यहाँ पे? 16-17 रुपए इंडिया के बनते हैं। 16-17 रुपए इंडिया, 16 रुपए किलो। अभी जिस पार्ट में हम चल रहे हैं ना, वो सारा का सारा पहले पानी के नीचे होता था, और सोवियत यूनियन ने इस एरिया की ऐसी माँ बहन की कि पानी के अलावा सब कुछ। अब यहाँ पे नवंकुर कैसा लग रहा है भाई? मैं तो सोच रहा हूँ हमारे सिर के 100 फुट ऊपर तक पानी होता होगा। अभी हम अरालसी के अंदर जो कैनियंस पड़ते हैं उनके पास आ गए हैं। पहले मुझे लगा कि यार ये कैनियन तो कम से कम एटलीस्ट उस टाइम पानी के ऊपर रहते होंगे ना, लेकिन जो हमारे साथ तैमूर भाई साहब हैं उन्होंने बताया, सामने जो आप ये कैनियन देख रहे हो ना, ये कैनियन भी पानी के नीचे आते थे। इस एरिया में आपको आने के लिए 4x4 व्हीकल चाहिए। यहाँ पे हिच हाइकिंग मुझे तो लगता नहीं है पॉसिबल है। नवंकुर बोलता है कि तू चला जा, तू हिच हाइकिंग से आ जा। आते वक्त इसको यहीं छोड़ देंगे, मतलब अपने टेंट से हिच हाइक करते हुए आएगा ये। नहीं भाई, मैं दे दूंगा मेरे पैसे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यूट्यूब इतने दे रहा है अभी। भाई वहाँ की फोटो तो मस्त है, उधर बीच में जाके ये तो समुंदर में आ गए। ओप ओप, डॉलर भी साथ में आया, डॉलर भी आया। ओ भाई साहब, पाजे सुसु करके कैनियन को बहा दो। अली के कमेंट करते हैं, अली सर यहाँ पे सुसु करके एरएलसी भरता है। एरएलसी भरता है, वही तो बोल रहा हूँ। ओ भाई, ये नहीं, ये टूट के गिरा हुआ है भाई, देख ढंग से। यहाँ के जो व्यूज अल्टीमेट है, सबसे पहले तो मेरे को यही विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जगह पहले पानी के नीचे थी। तो नेक्स्ट लेवल है पाजी। अब मैं मान रहा हूं अगर $600 भी होते ना तो हजम कर जाते इस चीज को। तो मैं ले लूंगा इसको, रहने दे। ये हमारे फोटोग्राफर, इनको यही नहीं पता था आईफोन में ब्राइटनेस बढ़ती है भाई, क्लिक करके उसको। ओ भाई, वो यार मैं नया हूं ना भाई आईफोन में। मैं तो भाई अपना एडिटिंग में सोचता हूँ, एडिटिंग में सब ठीक कर लेंगे। बाकी यार मैं पिछली वीडियो में गलती से पाजी के चैनल की लिंक डालना भूल गया था यार, सॉरी पाजी। अरे ये भी बन गया, क्या बात। पाजी के चैनल का नाम एक बार आप दोबारा बता दीजिए। नवदीप ब्रांड। ओ भाई साहब, यार ये बात सच में माननी पड़ेगी, ये अजूबा तो है। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जो पानी का लेवल था नहीं ऊपर तक था। मैं दिखाता हूँ यार आपको, आप सामने देखिए, पूरा कैनियन टाइप बना हुआ है। और ये जो एरिया आप दिख रहा है ना आपको थोड़ा ब्लैकिश, ये है पानी जो अभी तक, जो अब इतना आगे तक चला गया है। ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। पहले मुझे इतना वर्थ नहीं लग रहा था,
आना तो था, लेकिन पहले बस मुझे ये था कि एक काइंड ऑफ सोल्ट लेक होगा और पानी उड़ गया होगा, तो बस वो जैसे अपने रन ऑफ कच्छ है या फिर बोलीविया में जहाँ पे नवंकुर भाई जाके आया वैसा सा सीन होगा। ये यहाँ के जो कैनियंस हैं इनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे आए तो भाई साहब एक तो नेक्स्ट लेवल हवा चल रही है। और यहाँ आने के लिए है ना आपको एक अच्छी घाट चाहिए होगी, 40 से 50 किलोमीटर तक तो आपको रोड मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद सारा रास्ता अनपेव्ड है। और ये है आज रात का हमारा आशियाना, 4 बेड। पहले हमें अभी एक बार यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना पीना करेंगे, उसके बाद जो अरालसी का बीच है उस तरफ निकल जाएंगे। अगर आपको मंगोलिया वाली सीरीज याद हो, जब मुझे और शुभम को पानी नहीं मिल रहा था तो एंड में हमें इस टाइप के कैंपर से पानी मिला था उन भाई साहब के घर पे, जो मैक्रोनी वैक्रोनी खरीद के लेके आए थे आलू वालू, भाई साहब उनकी वो बना रहे हैं मैक्रोनी बना रहे हो क्या बनाएंगे, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, उसका बटर चिकन मसाला बना मेरे को चिकन चाहिए मेरे को यार, एनिमल क्रुएल्टी छोड़ दीजिए। ये अपने राजस्थान में नहीं होते, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ चुक के लेके आ जाते हैं लोग, वैसे सीन यहाँ पे। और अब हमारा तड़का, बिना तेल के तड़का ना, तेल डाल दिया है, तो हमारी चाय आ गई है और यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा। और उसके बाद किधर जाएंगे नवंकुर? उसके बाद लेक ही रह गया ये, तो वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं गाड़ी लेके जाए, गाड़ी वाला कह रहा था ना लेके, हाँ लेके जाएगा यार। टाइम क्या हो गया यार? 6:30 हो गए और अभी तक सनसेट कितने बजे होगा? 9:30 तो। और अब हम जा रहे हैं नीचे लेक सी जो भी है उसके तरफ, पेंगोंग लेक की तरफ। आप आज कार की आफ्टर बंदा हमको बोलेगा क्या? पाजी सीन तो बड़ा प्यारा है यार, मस्त है ना वो भाई, दलदल है। ओह नवंकुर देख तो, कर लिया मैंने पानी टच कर लिया। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा नमक है, सब नमक है। पहले धीरे धीरे, अब इसके नीचे अगर थोड़ा और ज़्यादा करूँगा तो नीचे दलदल मिल जाएगा क्या आपको? ये देखिए ये दलदल है अभी, नमक खाएगा। तो कुछ डेटा के एस्टिमेट के हिसाब से 50 नेक्स्ट 20 इयर्स के अंदर जो डेटा और तूने भी तो कोई वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी ना, देखिए भाई डॉक्यूमेंट्री में बोला था कि अगर ध्यान नहीं दिया तो अगले 50 से 60 साल के अंदर वो सूख जाएगा। यहाँ पे व्यूज बड़े प्यारे हैं यार, और मजे की बात शाम के 9:05 हो रखे हैं और यहाँ पे अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है यार, अभी तक मेरा जो कंफ्यूजन है वो खत्म ही नहीं हुआ है। सब लोग बोल रहे हैं कि पानी ऊपर तक था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पानी अगर यहाँ पर इतना ऊपर तक है तो बाकी जगह भी तो लेवल उतना ही होगा ना, क्योंकि पानी का लेवल तो सेम रहता है और पीछे तो और भी ऊंचा है। गुड मॉर्निंग, सुबह के अभी 7 बजे हैं और 7 बजे यहाँ पे ऐसे धूप पड़ने लग जाती है जैसे अपनी लगभग 10:30-11 बजे होती है, और 9 बजे तो ये फील आती है कि किसी ने तंदूर के अंदर आग लगा दी है और भट्टी सुलग रही है मस्त। लेकिन यहाँ पे जो हवा है ना वो ठंडी चल रही है, और वो जो सामने आप देख रहे हो अरालसी, और अभी तक जो मेरी कन्फ्यूजन है वो बनी हुई है। तो इस पत्थर में है ना आपको ये शैल है, शैल के जो फॉसिल्स नहीं होते वो इस पत्थर के अंदर छिपे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है किसी क्या पता यहाँ तक होता हो किसी टाइम में इसके अंदर, ये आपको सारे फॉसिल दिख रहे होंगे, तो ये पत्थर नीचे से तो कोई लेके नहीं आया होगा। शीना उठो शीना, 7:30 हो गए जी, कह रहे कौन सा जोन सीना आ गया ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? और क्या, सूज गया
गाइस दुआएं भेजो पाजी के लिए। दुआएं भेजो। मैं तो मैं ये बोलने वाला था रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। अराल सी अराल सी गो लो लो लो। इस ऊर्ट्स के अंदर रखा क्या हुआ है उन्होंने? एक टाइम मुझे लगा था कि उज़्बेकिस्तान के अंदर ये ऊर्ट ऊर्ट वाला कल्चर नहीं होगा, लेकिन जब उज़्बेकिस्तान में पहुंचा तो पता चला कि यार ना उज़्बेकिस्तान में भी है। तो ऊर्ट आपको मंगोलिया में मिल जाएंगी, ऊर्ट आपको रशिया का जो याकुत्स वाला पार्ट का जहाँ पे शुभम गया था वो उस पार्ट में मिल जाएंगी, किर्गिस्तान में मिलेंगी, कजाकिस्तान में, लगभग पूरे सेंट्रल एशिया में आपको ऊर्ट का जो कल्चर है वो मिल जाएगा। ताऊ जी बाकी गाइस पराग भाई का भी चैनल है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाम क्या आपके चैनल का? पराग फडनेस, मेरे नाम से ही है। पराग फडनेस फडनेस, मैंने भी फडनेस ही कहा था पहले। अच्छा फडनेस, वो पूरे मराठी है, बोलते हैं मराठी। हां भला मराठी है इतना ही भाई। आधे घंटे में वापस हम मुइनाक पहुंच जाएंगे। नंगुर रेटिंग दे। मजा रेटिंग हां इसमें से 7। पराग भाई मैं 10 में से 8। वापस से हम आ गए हैं मुइनाक के अंदर। यहाँ के लोगों की माने तो जो अरालसी था वो एकदम मुइनाक के एकदम बीच के ऊपर था अरालसी के, लेकिन सूखते सूखते अरालसी यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर चला गया है। और अगर इसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो लगभग अगले 40 से 50 सालों में अब जो है ना उसका भी हाफ हो जाएगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये है एक अलग ऑटोनोमस रिपब्लिक उज़्बेकिस्तान के अंदर ही, जिसे बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान। और जो नवदीप भाई हैं, पराग भाई हैं और नवंकुर भाई हैं, उन तीनों के चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।